आज लाई हूँ आप सबकी पसंदीदा रेसिपी, वो है कड़क सोन हलवा। कड़क सोन हलवा हम सभी को बेहद पसंद आता है। ये हलवाइयों की रेसिपी है, हर जगह मिलती भी नहीं है। इसे बनाने में हम यही डरते रहते हैं, ढेर सारा तो घी लगेगा, इसे बनाएंगे ये सही बनेगा कि नहीं, यही टेंशन होता है ना, हाँ कि नहीं, मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैंने किया क्या है। मैंने दो चीज़ें ली हैं और बहुत कम कम ली हैं। एक टेबल स्पून लिया है मैंने अंकुरित आटा, जिसे हम सामक का आटा कहते हैं। दो टेबल स्पून आपको डालना है मैदा, मतलब जितना सामक उतना ही आपको डबल मैदा डालना है। बस इतने से आपका कम से कम 350 से 400 ग्राम, ये एक बैच आपका कड़क सोन हलवा बन जाएगा। और इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून घी और इस सब चीजों को धीरे धीरे मिक्स करते जाइए पानी के साथ। अब बारी आती है पहली ट्रिक, ये है कि आपको ये दोनों आटों का रेशो लेना है, मतलब 1 टेबल स्पून सामक, 2 टेबल स्पून मैदा। दूसरी ट्रिक ये है कि आपको इसमें जो पानी डालना है 750 ml पानी डालना है। 750 ml पानी डालकर आप नाप के रख लीजिए और जो पानी यूज करेंगे वो बोरिंग का नहीं, वो मीठा पानी ले लीजिए। मतलब या तो आपके यहाँ मीठा पानी आता है, आरओ का आता है, वो ले लीजिए, या बिस्लरी का ले लीजिए, बोरिंग वाला पानी से फट जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक जो होती है ना, कोई आपको नहीं बताएगा इतनी बारीकी से। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे पानी डालते हुए उस मैदे में और आटे में मिलाते जाइए और इस तरीके से पूरा पानी डाल दीजिए। अब ये तो हो गया पानी वाला पूरा घोल। अब हम क्या करेंगे, इसे गैस पर चढ़ाएंगे। यहाँ पर तीसरी ट्रिक है, आपको फुल गैस पर बिल्कुल नहीं पकाना है, बाद में फुल गैस पर पकाना है, अभी आपको स्लो गैस पर पकाना है और आपको चलाते भी जाना है क्योंकि मैदा नीचे चिपक सकता है। अब आप इसमें डाल दीजिए 250 ग्राम चीनी, नॉर्मल चीनी जो हमारे घर में होती है। चीनी डालकर आप इसे धीरे 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 उबाल आने तक पकाइए। कम से कम 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे इसको उबाल आने में। जब इसमें उबाल आ जाए तब आप क्या करेंगे, गैस बंद करेंगे और गैस बंद करके एक बर्तन लीजिए, उसमें छन्नी रखिए, छन्नी के ऊपर एक पतला कपड़ा रखिए, जैसे चुन्नी टाइप का या जिससे हम पनीर वगैरह छानते हैं वैसा कपड़ा, उसमें इस पूरे घोल को छान लीजिए। आपको लगेगा ये क्या तरीका, मतलब पहले क्यों नहीं छाना, अभी क्यों छान रहे हैं। हाँ, इसका जो तरीका है ना, एक एक चीज़ मैंने सीखा है, बहुत बार समझा है, कई बार बिगाड़ा है, कई बार बनाया है, उसके बाद ही मैं ये रेसिपी आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे रही हूँ। इसे अच्छे से छान लीजिए, पूरा घोल उसी कढ़ाई में डाल दीजिए और ये जो पतला थोड़ा सा पार्ट बचा है ना, मोटा मोटा आटे का या किसी का भी, उसे आप हटा दीजिए। अब इसे आपको यूज नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखोगे तो हर बात अगर समझ लोगे तो आप आराम से इस कड़क सोन हलवे को घर में बना सकोगे। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे होगा ये जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आपको बर्तन लेना है मोटा वाला, मतलब भारी, पतला नहीं, मतलब हाई टू मीडियम पे बना सकते हो, एकदम बहुत ज्यादा फुल गैस पे नहीं, स्लो पे नहीं पकाना है। अब आराम से पकाइए। अब जब तक आप इधर पका रहे हो तब तक एक तैयारी कर लो, एक थाली ले लीजिए और कुछ कुकी कटर रखिए। कुकी कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके मोल्ड होते हैं, नहीं तो ऐसी प्लेटें ले लो, जो घर में हमारे पास हलवा प्लेट होती है ना, वो भी रख सकते हो। घी लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये सब रख दीजिए। और आपको ड्राई फ्रूट डालना है तो बादाम, काजू, जो भी डालना है वो आधे आधे करके इसमें डाल दीजिए। ये अभी कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा इसमें ये सब करने का। ये कड़क सोन हलवा बना है तो कड़क कैसे हो जाता है, फटाफट बिल्कुल, तो इसलिए ना आपको ये सारी तैयारी पहले से ही करके रखनी है। एक और इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है घी। तो घी आप अभी इसके लिए पूरा 150 ग्राम अपने पास रखिए, लेकिन आधा आपको वापस मिलेगा, मतलब वो बाद में मिलेगा, पहले हम बना रहे हैं सोन हलवे को। जैसे जैसे ये पानी वाला मिश्रण उबल रहा है हम 1-1 टेबल स्पून करके इसमें घी डालते जाएंगे। एक और बात, एक प्लास्टिक की कटोरी या छोटा सा इस टाइप का कप आप जरूर रखिए, लास्ट में हमें लगेगा। यहां ले रही हूं मैं बहुत थोड़ा सा कोको पाउडर। कोको पाउडर नहीं डालेंगे तो चलेगा, पर क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी में बन रहा है तो ये इतना लाल नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत जरा सा, मतलब 2 या 3 पिंच आप कोको पाउडर इसी घोल में मिक्स करके और इस तरीके से डाल दीजिए, जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा।
जब तेज आंच पे, बड़ी आंच पे, बड़ी क्वांटिटी में बनता है ना, तो कलर अपने आप ही आता है, फिर हमें कुछ नहीं करना होता है। पर यहाँ पर मैं इसलिए ये छोटा सा काम कर रही हूँ। अब देखिए कितना बढ़िया ये पकता जा रहा है ना, फुल गैस पर घी भी डलता जा रहा है और पकता जा रहा है। कम से कम 15 मिनट आपको लग जाएंगे, 15-16 मिनट इसे पकाने में। अभी ये तैयार नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। आप अक्सर जल्दबाजी कर लेते हो तो शायद खराब हो जाता है। मैं भी ऐसे ही करती थी, बस मुझे लगता था पक तो गया है, अब बस फटाफट डाल देती हूँ, और फिर वो कड़क हो ही नहीं पाता था। मैंने करीबन पूरा 150 ग्राम घी इसमें डाल चुकी हूँ। अब आप इसका टेक्सचर देख रहे हैं, कितना पानी वाला था ना, वो सारा पानी हमने खत्म कर लिया, जितना पानी 750 ml डाला था। अब इसमें चीनी है, घी है और मैदा और सामक है, बस और कुछ चीज नहीं है, कोई इलायची पाउडर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि घी जो हमने डाला था ना, वो ऑलमोस्ट मतलब आधा तो निकल ही गया है। जब ये कंडीशन आ जाए ना, तो समझ जाइए बिल्कुल दानेदार, ये देखिए जाली सी आ रही है, फूल रहा है, और तीसरी निशानी इसकी ये है, जो घी डाला था वो ऑलमोस्ट निकल ही आया है। थोड़ा घी तो मैं फटाफट से निकाल ही लेती हूँ कटोरी में, क्योंकि बाद में फिर इतना नहीं निकल पाएगा। और फिर हम फटाफट से एक काम कर लेते हैं, गैस बंद करके जो प्लास्टिक की कटोरी है ना, उससे आप इसमें डालते जाइए। प्लास्टिक की कटोरी में ना चिपकता नहीं है, बहुत मोटा मोटा नहीं डालना है आपको, पतला डालना है। बहुत ज्यादा मोटा होगा ना तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पर आपको मदद लेनी होगी किसी और की, अकेले नहीं बना पाएंगे, ये बात का खास ख्याल रखना, क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाता है। लास्ट वाला मैं बताऊंगी, मैं लास्ट में जल्दी जल्दी नहीं कर पाई थी तो मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया था एक लास्ट वाली प्लेट का। ये सारे सही है, इन्हें आप दबाते जाइए और बस 10 मिनट आप छोड़ दीजिए। गरम गरम ही डालना है, इस तरीके से दबा के डालना है। अब ये घी हमने निकाल लिया, कम से कम आधा घी हमें वापस मिल गया है। अब ये जो कढ़ाई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, इसे साफ करना मुश्किल होता है, तो पानी डालकर आप इसे थोड़ा गैस पर पका लीजिए, जिससे आपको कढ़ाई साफ करने में ज़्यादा मेहनत ना लगे। ये देखिए मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ, 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में ये बढ़िया कड़क हो जाता है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो ना तो तश्तरियों में जमाइए। ये देखिए ड्राई फ्रूट कितना बढ़िया सेट हो चुका है, घी भी निकल आया है, मतलब टोटल। अब मैं आपको वेट भी करके दिखाऊंगी कि कितना बना है। अब ये देखो लास्ट वाला जो तश्तरी में था ना, वो बिल्कुल अनइक्वल शेप है और भुरभुरा है। अब ये वेइंग मशीन पे मैंने रखा है, ये 342 ग्राम है, मतलब 250 ग्राम तो हमारी चीनी ही है, और बाकी का जो है इसमें वेट इसका घी का है और वो जो सामक का है। घी हमारा टोटल मुश्किल से 100 ग्राम से भी कम लगा है। अक्सर हमारे दिमाग में क्या होता है कि बहुत सारा घी लगेगा, बहुत सारा घी लगेगा, हमें हलवाई डरा देते हैं। तो हमें इतना अगर बनाना है 350 ग्राम, तो उसमें 100 ग्राम आपको उससे भी कम घी लगेगा, बाकी इतना सा ही आटा लगेगा और चीनी लगेगी 250 ग्राम। ये मेन तो बनता है घी, चीनी और इस सामक से। तो ये देख रहे हैं तोड़ना भी कितना आसान है, इसे आप आराम से खाइए, इंजॉय कीजिए। बाहर से बहुत कड़क होता है, बहुत ज्यादा कड़क नहीं होता है, खाने में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। ये जो कड़क सोन हलवा है ना आप देख रहे हो, मैं सजा रही हूँ, ये मैंने कल परसों ही बनाया है। एक और बात, वैसे तो ये सोन हलवा बिल्कुल बन गया है, तैयार हो गया है, ठंडा हो गया है, अब ये महीनों चले कैसे? तो महीनों तब चलता है जब आप इसे इस तरीके से क्लिंग रैप से पैक करके रख देते हो। ये अब महीनों चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बस इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो इस तरीके से बनाइए, इंजॉय कीजिए। अब कड़क सोन हलवा आप घर में बना पाएंगे बिल्कुल हलवाई से भी ज़्यादा अच्छा, और आपको एक अंदर से ना कॉन्फिडेंस आएगा जैसे मेरे अंदर आया है।